लेकिन ये तीन सब्जेक्ट को ही संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है। आप मेरी बात माने, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आपको लग रहा है आपके लिए बहुत दिक्कत आ रही है, तो एटलीस्ट इतना जरूर रखिए कि वो टॉपिक आपके हाथ से ना जाए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो, ये जर्नी आपकी बहुत टफ होने वाली है। प्लीज अपने आप को हमेशा मनाइए, हमेशा समझाइए। दूसरों पे डिपेंड मत होइए कि दूसरा आपको करके देगा या फिर आपको समझाएगा बार बार। नहीं भाई, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट देना है। मैं कैटेगरीज बना के ला रहा हूँ, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना, उसके ऊपर ये, हर जो भी कंसेप्ट मैं छेड़ूंगा उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन से दिखाना है। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। मेरा कर्तव्य ये है, आप देखो यहाँ पर टीम की बात है, कि मेरा कर्तव्य ये है कि मेरी तरफ से आपको प्रॉपर कंटेंट मिलना चाहिए। और मेरा हमेशा टारगेट ये रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को समझ आ जाए, इसलिए मैं रिपीट भी कर देता हूँ। हो सकता है एक बार नहीं समझ आया, मैं भी इतना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, तो रिपीट होता तो शायद मेरे को समझ आता, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको भी इस चीज के लिए सीरियस होना पड़ेगा। हमारा जर्नी में हम लोग धीरे धीरे एंटर करते जा रहे हैं। अब आपको हीट भी पता लगेगी कि हीट मतलब कि यार केमिस्ट्री में भी स्ट्रगल, फिजिक्स में भी स्ट्रगल, मैथ्स में भी स्ट्रगल। अभी तो हम सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपने इंग्लिश तो देखा ही नहीं, फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस तो आप देख ही नहीं रहे। उनको आप आसानी से एग्जाम से पहले आसानी से कर सकते हैं। पिछले की जनरेशन ने भी किया है, आगे की जनरेशन भी करेगी, आप भी वही करेंगे। लेकिन ये तीन सब्जेक्ट को ही संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है। आप मेरी बात माने, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आप फोकस करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपके लिए बहुत दिक्कत आ रही है, तो एटलीस्ट इतना जरूर रखिए कि वो टॉपिक आपके हाथ से ना जाए। बेसिक जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम मिलेगा, उस चीज के अंदर आप मैच्योरिटी आ जाती है चीजों को समझने के लिए, तो आप कम टाइम में आसान से कवर कर लेंगे। प्लीज किसी भी चीज को छोड़िएगा मत और बैकलॉग मत बनाइएगा। ओके, करो अपने लिए मेहनत। मैंने कैसे 12-12, 13-13 घंटे की मेहनत करी, क्या वो तुम